हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो में हम आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में कुछ जानेंगे और मैं कुछ कमेंट्स को डिस्कस करना चाहूँगी कि और क्या क्या कमेंट आए हैं और उनका रिप्लाई, कि बहुत सारे लोग मुझे साउंड के लिए बोले हैं तो उसके लिए भी बोलूँगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जब आए थे इंडिया, जब इंडिया रिटर्न आए थे साउथ अफ्रीका से, तो साउथ अफ्रीका में क्या थे, वहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह जो था वो किया था। सत्याग्रह किया था वहाँ पर भी, वहाँ किस चीज़ के लिए किया था, उन्होंने किया था रेसिस्ट रिजिम के लिए। मतलब कि जो वहाँ पर जो होता था, कलर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते थे, पार्शियलिटी करते थे कि वाइट कलर्स वाले लोग अलग हैं, ब्लैक कलर्स वाले लोग अलग हैं। तो उसके खिलाफ साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। ठीक है, क्या लिखा है, महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन जनवरी 1915, वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट रेसिस्ट रिजिम विद अ नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। तो एक नोवेल मेथड का मतलब क्या होता है, नोवेल मेथड का मतलब वो होता है वो मेथड जो आज तक, नोवेल मेथड का मतलब वो होता है ऐसा मेथड जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं, ना किसी ने यूज़ किया। ठीक है, तो वो एक नया मेथड था, नोवेल मेथड था मास एजिटेशन का, यानी कि लोगों का जो गुस्सा है, लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको रिप्रेजेंट करने का एक नोवेल मेथड था, जिसको उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब समझ में ही आ रहा है कि जो सच का घर हो, ठीक है, सच के साथ जिसका हो वो होता है सत्याग्रह। तो सबसे पहले स्टार्ट जो हुआ था वो सत्याग्रह, वो हुआ था साउथ अफ्रीका से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंडिया में कैसे किए वो। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। इसका मतलब क्या है कि सत्याग्रह का जो आइडिया है वो किस पे जोर डालता है, वो जोर डालता है पावर ऑफ ट्रुथ पे, यानी कि ट्रुथ का पावर, सच का कितना पावर है और सच को ढूंढने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, क्या ज़रूरत है, नीड क्या है, उसके ऊपर वो जोर डालता है। तो इस लाइन का मीनिंग यही है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। ठीक है, इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. इसका मतलब क्या है कि जो सत्याग्रह का आइडिया है वो क्या सजेस्ट करता है, वो ये सजेस्ट करता है कि अगर तुम सच के लिए लड़ रहे हो, अगर जो रीज़न है लड़ाई करने का वो ट्रुथ है, ठीक है, वो ट्रू है, सही है, और जो स्ट्रगल कर रहे हो वो अगर इनजस्टिस के खिलाफ कर रहे हो, ठीक है, इनजस्टिस के खिलाफ अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो कोई फिज़िकल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है फाइट करने के लिए, ठीक है, ऑप्रेसर के साथ। तो ये इस लाइन का मीनिंग है। तो इसका मतलब क्या है, महात्मा गांधी ये बिलीव करते थे कि अगर हम सच के लिए लड़ रहे हैं तो हमको कोई फिज़िकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ सत्याग्रह से अपने माइंड से पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। ठीक है, विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। इसका मतलब क्या है, वेंजेंस का मतलब होता है बदला, प्रतिशोध, कि बिना प्रतिशोध या बिना बदले के भावना के हम लोग एग्रेसिव और बिना एग्रेसिव हुए, बिना एग्रेसिव हुए यानी कि बिना मारपीट किए या बिना अपना गुस्सा निकालते हुए हम सत्याग्रह जो है, एक सत्याग्रही जो है वो जीत सकता है बैटल को, ठीक है, नॉन वायलेंस के थ्रू। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बींग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी लोग हैं
ठीक है, इंक्लूडिंग ऑपरेशन जो जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं उसको भी इंक्लूड करके, कि सबको ट्रुथ का जो है मतलब समझ में आना चाहिए, वैल्यू समझ में आना चाहिए। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए, उनमें खुद से इच्छा होनी चाहिए कि वो सच को समझे और गलत को समझे। हम ऐसे किसी को भी मार पीट कर फोर्सफुली जो है सच को नहीं समझा सकते या किसी को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये महात्मा गांधी का बिलीव था ये सब। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बॉर्न टू अल्टीमेटली ट्रम्फ, ठीक है। तो इस स्ट्रगल से क्या होगा कि ट्रुथ जो है वो हम जो सच्चाई जो है वो सीधा हमको क्या दिलाएगा, हमको जीत दिलाएगा, ट्रम्फ यानी कि जीत दिलाएगा। महात्मा गांधी बिलीव डेट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो महात्मा गांधी ये भी बिलीव करते थे कि जो नॉन वायलेंस का धर्म जो हम लोग कर रहे हैं वो इंडियंस को यूनाइट करके रखेगा। ये पिक है सत्याग्रह की, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था कि आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी ने बहुत सारे मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया अलग अलग जगह पे। सबसे पहले तो उन्होंने चंपारण बिहार में किया था, ठीक है। उसके बाद जो था उसके बाद उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में किया, उसके बाद उन्होंने किया अहमदाबाद में, ठीक है। तो अलग अलग रीज़न से अलग अलग जगह, तो ये सीक्वेंस है। सबसे पहले उन्होंने बिहार में किया, उसके बाद गुजरात में किया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अहमदाबाद में किया। तो ऐसे ही सत्याग्रह जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद ये थोड़े कमेंट है जिसके जवाब मैं सोची कि शायद दे देना चाहिए तो अच्छा होगा। तो ये मोहम्मद शबन अंसारी ने कहा है कि मैम थोड़ा प्लीज़ क्लियर वॉइस में। तो मैंने वॉइस के लिए ट्राई तो किया है बहुत, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब धीरे बोलना है या माइक का इशू है। तो ये बता दो आप मुझे कि स्लो पढ़ाना है या माइक का इशू हो रहा है, तो फिर उसके आगे मैं करती हूँ, ठीक है। उसके बाद BSRK7 कलाम जो भी है, यू एक्सप्लेन वेरी वेल बट इम्प्रूव साउंड क्वालिटी, तो हाँ मैं करूँगी। तो आप मुझे सजेशन दे दो कि किस में क्या करना है, मतलब किसका इशू हो रहा है, ठीक है। और बाकी सब जिन्होंने भी थैंक यू बोला है तो उनको मोस्ट वेलकम डियर। SST के सारे क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए तो ठीक है, मैं ज़रूर बनाऊंगी, मैं बना ही रही हूँ, ट्राई करती हूँ क्या वीक में 2 या 3 वीडियो दे दूँ, तो मैं सारा कवर ज़रूर करूँगी, ठीक है। उसके बाद लाइव आ जाइए जी, हर्षा मोलिकर, एक दिन लाइव आ जाइए ना, ताकि आप हमारा, तो लाइव भी आऊँगी लेकिन उसके लिए थोड़ा और सब्सक्राइबर व्यूज़ होना ज़रूरी है आई थिंक। तो जैसे ही होगा मैं लाइव भी ज़रूर आऊँगी, ठीक है। तो बस इतना ही था गाइस। और एक कमेंट था राजा जट का, जो बोलते हैं कि मैम मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ। तो देखो फ़ैन वैन होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझ में आए, ये मेरा मेन इंटेंशिव है, ठीक है, मेन मोटिव मेरा यही है। तो अगर आपको समझ में आता है तो आप शेयर सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो समझ में आया होगा आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।